नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। किसी भी करोड़पति के ये चीज चुपचाप उठा लाएं, जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आपने देखा होगा लोहा लोहा को काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है पैसा पैसा को खींचने का काम करते हैं। जैसे संगति वैसे प्रभाव। जी हाँ, अगर आप जो है जैसे संगति करते हैं वैसे आपके जो आचरण होता है वो भी हो जाता है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सरल आसान टोटके बताऊंगा, किसी भी करोड़पति के ये चीज आपको चुपके से ले आना है, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे, निर्धनता समाप्त हो जाएंगे। जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, उनके अलग सा एक औरा होता है, उनके अलग से एक पूंज होता है। ये पूंज आपको नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह व्यक्ति साफ होना चाहिए, उनके सभी स्वच्छ होना चाहिए, वो शराबी नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। तो उनके जो औरा होता है, उनके पीठ के पीछे में, उनके सिर के पास में एक औरा बना होता है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं वो देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी करोड़पति व्यक्ति के ये एक चीज आपको चुपके से ले आना है, चोरी करके नहीं लाना है, आप उनसे मंग लेना। मंगने पे बहुत से जो साफ व्यक्ति होते हैं, जिनके छवि ठीक होते, जिनके आचरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेहिजक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है आइए जानते हैं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। तो आपको करना क्या है, आप अपने पड़ोस के आसपास किसी साफ एवं स्वच्छ व्यक्ति को देख लीजिए, जिनके सभी जिनके छवि अच्छे और जो है धनवान व्यक्ति हो, तो उनके यहाँ से आपको रुमाल मंगना है। आप उनसे एक रुमाल मंग लेना या फिर उनके पुराने कपड़ा मंग लेना। और आपको करना क्या है, जो आप रुमाल मांगेंगे उसे सबसे पहले तो एक बार सादे साफ पानी से छींटा मार देना, स्वच्छ करा देना, स्नान करा देना। फिर इस पर आपको 8 कौड़ी डालकर किसी धन रखने वाले स्थान पे रख देना, यकीनन माने इस उपाय से, क्योंकि पैसा पैसा को खींचता है। तो जो व्यक्ति धनी व्यक्ति के आपने रुमाल लाए, तो आप यकीन माने उनके कृपा समझ लीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा समझ लीजिए, उनके औरा के प्रभाव समझ लीजिए। अगर आप ये रुमाल में 8 कौड़ी बांध करके रखेंगे, तत्काल उसी टाइम से आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा, एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी, आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगा, किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, और देखते देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे, धनी व्यक्ति में आपके नाम भी गिनना जो है शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर आप ये नहीं लाना चाहते तो जो धनी व्यक्ति उनके यहाँ से बर्तन ले आना, उधार में बर्तन मांग लेना, या फिर आप जो है उनसे किसी भी माध्यम से एक बर्तन मांग लेना, और उस बर्तन को आपको अपने घर में लाने के बाद जो आप बर्तन मांगेंगे धनी व्यक्ति के घर से, उसमें आपको पानी भर करके डेली के रखना है, और ये आपको अपने पूजा वाली स्थान है, धन वाली स्थान है, वहां पे पानी भर के इसमें रखना है, और 1 रुपए का सिक्का नित्य आपको डालते रहना है। इस उपाय से आपको कुछ दिनों के भीतर में न समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होगा। आपको पूरे विश्वास के साथ आज मैं आप लोगों को जो दो टोटका बताऊं, इसमें से कोई भी एक टोटका करने इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। ये जो दोनों उपाय बताएं ये रामबाण की तरह काम करते हैं। बस चोरी से आपको नहीं लाना है, मांग करके लाना है, तभी अपना प्रभाव दिखाएगा, और ये आपके देखते देखते जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट देगा। तो ये थे आज की छोटी सी जानकारी। दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।